तो इसका नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये जो सिस्टम हम सीखेंगे आईपीएससी के अकॉर्डिंग, देखो कोई भी कंपाउंड इसके दो नेम होते हैं, या तो इसका एक कॉमन नेम जिसे हम ट्राइबल नेम भी कहते हैं, जहाँ से वो आती है कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं जहाँ से भी आता है वो नेम, और एक आईपीएससी जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन इसको नेम देती है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे हमने यहाँ पर अभी बात की थी, भाई इनके जो रूट वर्ड हैं हमारे, जैसे मीथेन इथेन प्रोपेन, इनकी बात कर ली थी हमने, इनके लास्ट में हम ए एन ई एन वाई एन लगाते हैं, ऐसे एल्कोहल और ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक और ये क्या है हमारे हैलोजन्स ग्रुप है, ये सबसे मेन ग्रुप है, यही मोस्टली आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इनको कैसे यूज़ करना है इनकी बात कर लेते हैं। अब देखो किसी भी चेन में सबसे पहले आपको क्या देखना है, लॉन्ग चेन देखनी है। जैसे कार्बन की हम चेन की बात करेंगे सबसे पहले कि भाई सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन देखनी है। नोमेनक्लेचर में क्या करना है आपको, सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन, जैसे ये हमने इस तरीके से बनाया है, तो इसमें कार्बन की सबसे लॉन्ग चेन कौन सी है वो देखेंगे हम, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ये सबसे लॉन्ग चेन है तो इसे मेन चेन कहेंगे। ठीक है, उसी के ही अकॉर्डिंग हमारा नेम उसमें डिपेंड करेगा, जैसे कि अगर इसमें चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो 9 पर क्या आता है हमारा नॉन, तो इसे नॉन नेम बोलेंगे। अभी जो बचेगा इसे हम बोलते हैं साइड चेन या फिर ब्रांच चेन बोलते हैं। ओके, इसका क्या होता है, इसका नेमिंग किस तरीके से होता है उस पर भी हम बात करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं भाई इनके फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाते हैं इसमें, तो सबसे पहले देखो प्रेफरेंस किसको देनी है, सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देनी है साइड चेन को, अगर उसमें साइड चेन आ रही है, तो अगर हम जैसे साइड चेन यहाँ पर आ रही है इधर, तो 1 2 3 4 इधर ही 4 नंबर पर आ रही है अगर हम इधर से काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन अगर हम इसे इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर ये क्या आ रहा है हमारा, ये यहाँ पर कौन से नंबर पर आ रहा है, 6 नंबर पर आ रहा है, तो हम जिधर से पास होकर उधर से नेमिंग देते हैं, तो इधर से हमने सही किया। क्या आप इसको ऐसे नेमिंग दे सकते थे 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो 9 की बन रही है, हम इसे ऐसे नेमिंग दे सकते थे 1 2 3 4 5, नहीं दे सकते थे क्योंकि लॉन्ग चेन तो यहाँ पर 9 की बन रही है ना सबसे लॉन्गेस्ट चेन, ये है हमारा सिस्टम। ओके, अब फिर हमें क्या करना है, प्रेफरेंस कैसे देखनी है हमें, अगर इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, जैसे मान लेते हैं यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता, तो फिर हम नेमिंग इधर से नहीं करते, फिर हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते, फिर हम नेमिंग इधर से करते चाहे साइड चेन कितनी भी दूर हो। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है उससे पहले कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप को फिर प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाती है, अभी फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाएगी, भाई पहले हम जिधर की तरफ फंक्शनल ग्रुप है इसको प्रेफरेंस देंगे। ये अगर देखो इनके अलावा जैसे एक ग्रुप है हमारे, अब ग्रुप हम कैसे पहचानेंगे, जैसे हमारे पास है एल्कोहल ग्रुप, ठीक है एल्कोहल ग्रुप किसे कहते हैं, एल्कोहल ग्रुप में हमारा क्या आता है इसके, देखो इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें OH मिलेगा। ठीक है, जिस भी हमारी क्या होता है चेन में OH दिखाई दे आपको, वो भी साइड में, जैसे यहाँ पर OH मिल रहा है, यहाँ पर OH मिल रहा है, तो वही क्या है हमारा, वो हमारे लिए क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, मतलब उसमें समझ लेना भाई एल्कोहल ग्रुप जुड़ रहा है। और एल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे सफिक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं और लास्ट में इसकी पोजीशन दिखा देते हैं, जैसे 1 पर क्या लिख दिया हमने AL, इसके लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं AOL, एल्कोहल OL, ठीक है AL किसके लिए यूज़ करते हैं, AL करते हैं एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या करते हैं, देखो इसमें CHO इस टाइप से भी मिल सकता है या फिर इसी को वो इस तरीके से भी लिख देता है, क्या डबल बॉन्ड O और H, कहीं पर भी साइड में, कहीं पर भी साइड में आपको डबल बॉन्ड O H मिले, ये हमेशा साइड में मिलेगा आपको, या तो इधर की साइड या फिर इधर की साइड एंड पर, ठीक है चेन के एंड पर। जो लॉन्गेस्ट चेन है वो किसी भी तरीके की हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन हो, वो ऐसे भी हो सकती है भाई, यहाँ कार्बन एक और कार्बन ऐसे, ठीक है इस तरीके से भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन ऐसे भी हो सकती है हमारी, तो ये इसमें सिस्टम होता है। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। अगर हम बात करें किसकी, एल्डिहाइड के बाद एक हमारा एक और ग्रुप आ गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन की बात करें, कीटोन ग्रुप किस तरीके का होता है हमारा, इसमें लगाते हैं हम, देखो इसके लिए हम लास्ट में AL यूज़ करते हैं। अब इनका यूज़ किस तरीके से करेंगे, लिखेंगे कैसे, वो सभी हम जब एग्जांपल करेंगे अभी आपको सब चीज़ें समझ में आएगा, बस आप इतना याद रखो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। कीटोन, कीटोन वाले के लिए हमेशा क्या मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O जो कार्बन मिलेगा ये हमेशा बीच में ही मिलेगा किन्हीं अदर कार्बन के, ठीक है इसीलिए इसके लिए मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए कीटोन के
फंक्शनल ग्रुप बनाने के लिए। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, सफिक्स ओन, ओ एन ई लास्ट में। अब एक है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड में क्या है हमारा, इसमें जुड़ता है हमारा सी एच ओ, सी कहीं भी लास्ट में अगर हम एंड में कार्बन के एंड में हमें सी डबल ओ एच मिले तो उसे समझ लेना कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर इसे हम इस तरीके से लिखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ऐसे भी लिख देते हैं। ओ एच इधर भी आ सकता है, डबल बॉन्ड ओ इधर भी आ सकता है, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके का अगर हमें मिले तो वो भी क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको हम लास्ट में ओइक एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी हम क्या यूज़ करेंगे, इनके लिए हम ये सफिक्स यूज़ करते हैं। सफिक्स का मतलब है जो लास्ट में जुड़े, प्रीफिक्स जो पहले जुड़े, प्रीफिक्स पहले, सफिक्स लास्ट में, ओइक एसिड। अभी चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी, जब हम एग्जाम्पल लेंगे सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओइक एसिड, और फिर एक आ जाता है हमारा हेलोजन, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सी एल, ठीक है, बी आर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं। इसमें हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये कहीं भी जुड़ सकता है आपका कार्बन चेन में, जैसे वो इस तरीके से जोड़ दिया इसने सी एल, ठीक है, इस तरीके से जोड़ दिया बी आर, तो इनको हम यूज़ करेंगे आगे ब्रोमो, इस तरीके से, जैसे बी आर के लिए ब्रोमो और सी एल के लिए क्लोरो, ये हो गया हमारा क्लोरो, ठीक है, आई के लिए आईडो, इस तरीके से जुड़ा होता है हमारा, ठीक है। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा बहुत ही रेयर केस में मिलता है हमारा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ज़्यादा यूज होते हैं हमारे, ओके। अब प्रीफिक्स अगर हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन भी आ गया, या फिर ये फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप इन्हें माना जाता है, तो इन्हें प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा देते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर ये दिखे गए हमें तो सबसे पहले प्रेफरेंस इधर देंगे, मतलब कार्बन चेन इन्हीं के पास से स्टार्ट होगी, सबसे पहला वाला जो कार्बन है वो इन्हीं के पास से स्टार्ट होगा, ओके, ये है हमारा। अब हम करेंगे इसमें क्या, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको बात ही क्लियर हो जाए जो भी हमने यहाँ पर अभी तक की है। जैसे इसमें हम बात करेंगे, तो इससे पहले वाले लेक्चर वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, उसको आप देख सकते हैं, तो ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे अब हम इसमें ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे लिखा है हमारा सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच, सी एच टू, सी एच थ्री, ओके। चलो पहले ये बताओ कितने नंबर की चेन है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है इसमें, 5 है, लॉन्ग चेन 5 की है। अगर मैं इसका ऐसी नेमिंग दे दूँ, यहाँ पर इसे 2 लिख दूँ और ऐसी नेमिंग पूछूँ, क्या हो जाएगा इसके, क्या नेम होगा इसका, 5 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो ये पेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से हो जाए, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए बॉन्ड लगाकर, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक और हाइड्रो, मतलब एक और कार्बन ऐड कर दिया जाए हाइड्रोजन के साथ, एक और हाइड्रोकार्बन, तब इसमें लॉन्गेस्ट चेन किसे काउंट किया जाएगा बताओ, क्या इसे 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4 5। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो जो कॉन्टीन्यूस है सब वो 5 ही वाली है, तो ऐसे करोगे तो 4 हो जाएगी, तो 5 हम इसी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। 3 पर हमारा क्या है, ये सी एच थ्री है, थर्ड वाले कार्बन पर क्या है हमारा, ये सी एच थ्री जुड़ा हुआ है। तो अब हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, एक साइड चेन है, और साइड चेन अगर ये मिथाइल वाली साइड चेन आ जाए तो इसकी नेमिंग कैसे करनी है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये तीसरे पर मिथाइल से तो बोलेंगे 3 मिथाइल, 5 वाली एक कार्बन चेन है तो क्या बोलेंगे इसे, मिथाइल पेंट एन, ठीक है, ये पेंट एन, इसमें सिंगल बॉन्ड है। अगर इसमें कहीं डबल बॉन्ड होता, जैसे मान लेते डबल बॉन्ड इसमें यहाँ आ रहा होता तो हम लिख देते पेंट वन एन, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा होता तो हम लिख देते 1 2 3 4 5। अगर अपने इधर से नेमिंग करेंगे, अब हम डबल बॉन्ड भी आ गया तो 2 पर क्या लिख देते, 2 इन, एन नहीं इन, ओके। जैसे अगर इसमें ऐसा होता है, मान लेते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से होता, हो सकता है ऐसे, बिल्कुल हो सकता है, 1 2 3 1 2, एक और हटा दो, ये हाइड्रोजन बैठ जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन के साथ 4 ही बॉन्डिंग होनी चाहिए, 4 ही हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, या फिर और भी कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं हाइड्रोजन हो, बॉन्ड बस हमेशा 4 हो, ठीक है।
अब इसका नेमिंग क्या हो जाता, थ्री पर मिथाइल। अब हम इसे नेमिंग जो करते हैं हम इधर से नहीं कर सकते, अब हम इसे नेमिंग इधर से ही करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि अब हम इसे प्रेफरेंस नहीं दे रहे, अब हम इसे दे रहे हैं। तो इसमें लिखते हैं हम 3-मिथाइल क्या पेंट, और यहाँ पर डैश लगा के छोटा लिख देते हैं 2 पर क्या इन, ये हो जाता हमारा। ओके, अब अगर हम बात करें कोई दूसरा होता हमारा भाई, उसमें इस तरीके से दिया होता हमें, यहाँ पर एक यहाँ दे दिया हमें CH3, मान लेते हैं कैसे दे देता CH3, इधर भी दे सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वो इधर ही हो, वो इधर भी हो सकता है। चार बॉन्ड पूरे हैं 1 2 3 और एक हाइड्रोजन का चार, 1 2 3 हाइड्रोजन का चार, ठीक है, इसके चार हैं 3 और 1 4, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारे फोर फोर बॉन्ड कंप्लीट है तो ये बिल्कुल हमारा सही है कंपाउंड। अब हम इसमें बात करेंगे कैसे कि क्या होना चाहिए इसमें, इसका नेमिंग क्या होनी चाहिए, नेमिंग किधर से करें। लॉन्गेस्ट चैन 1 2 3 4, ये भी ले सकते हैं 1 2 3 4, अगर लॉन्गेस्ट चैन सिंपल बन रही है तो सिंपल वाली ले लो 1 2 3 4। क्या हम इसे ऐसे भी काउंट कर सकते थे 1 2 3 4? हाँ जी, हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, क्यों, क्योंकि इधर से भी ये इधर से 2 2 पर आ जाता है और ये 3 पर आ जाता है, ये 2 3 ही पोजीशन ले रहे हैं। ओके, अब हम इसे लिखेंगे कैसे, देखो 2 पर भी क्या है हमारा मिथाइल है, तीसरे पर भी मिथाइल है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 2 3, 2 मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल। ओके, ये हो गया हमारा 2 3 डाई मिथाइल। अब लॉन्ग चेन वाली कौन सी है, जो मेन चेन है वो है 4 कार्बन की, 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो इसे बोलेंगे ब्यूटेन। ये सिस्टम है बस इसमें। ओके, अब इसमें अगर एक तो आ जाए मिथाइल ग्रुप, एक आ जाए इथाइल ग्रुप, ऐसा भी तो हो सकता है, तो फिर किसको लिखेंगे पहले, तो फिर हम लिखते हैं किसके अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। जैसे ABCD में सबसे पहले कौन आ रहा है हमारा, मिथाइल या इथाइल सबसे पहले आ रहा है, अगर हमारा ई आ रहा है हमारा ई एम से पहले, तो हम ई को पहले लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहाँ पर ये क्या होता, इसी में ही ये हमारा इस टाइप से होता CH2 CH3, तो इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, इथाइल कह सकते हैं। कैसे, देखो अब, या फिर इसमें लॉन्ग चेन हो सकती है, अगर ये ऐसा होता पहले हम लॉन्ग चेन भी देखेंगे, जरूरी थोड़ी ना है कि अब लॉन्ग चेन 3 की 4 की बन रही हो, जैसे यहाँ पर 4 की बन रही है, यहाँ 3 4 4 की बन रही है, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 की बन गई, तो लॉन्ग चेन ही हो जाएगी इस बार। ओके, अगर हमने ऐसे बनाया तो अब ये साइड चेन नहीं है, ये लॉन्ग चेन का पार्ट बन जाएगा 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें एक और कार्बन जोड़ देते हैं, तो देखो ये भी 5 की है, आप इसे 5 की ले लो तो ये साइड चेन बन जाएगी, इसे 5 के ले लो तो ये साइड चेन बन जाएगी। अब आप किसी को भी ले सकते हो, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से हमने लिया इसको। तो प्रिफ्रेंस अगर हम इस वाले को दे रहे हैं मिथाइल को, तो इधर से ही नेमिंग करेंगे हम 1 2 3, इधर से नेमिंग करते हुए अब इधर से करेंगे हम 1 2 3 4 5। वैसे तो देखा जाए इसमें साइड चेन जो आ रही है हमारी, सबसे नियरेस्ट कार्बन इसके पास आ रही है। ओके, अगर हम इसे करें 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5 पर आ रही है हमारी, तो इसको करेंगे अगर हम, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, और फिर इसको तो बस इसमें हम क्या कर देंगे, इसको नेमिंग करते हैं, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल और ये ब्यूटेन, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा हमारा। इसको लिख सकते हैं हम। ओके, अब अगर हम इसमें कोई दूसरी कंडीशन होती है हमारी, जैसे और ले लेते हैं इसमें हम क्वेश्चन, कोई कार्बन चेन होती है हमारी, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है कोई भी, ये होता हमारा कुछ इस टाइप से 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट है। अब इसकी नेमिंग किधर से करते हैं हम, किधर से करते हैं, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास होता है, तो 1 2 3 4 5। ओके, मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी होता CH3, तो अब क्या करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, या 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, एक ही बात है। अब इसको नेमिंग देते हैं हम किस टाइप से, तो इसमें मेन चेन हमारी ये वाली है पेंटेन वाली। ओके, 4 पर क्या है हमारा,
मिथाइल है तो हम से लिखते हैं फोर मिथाइल, और पांच एक चेन है तो पेंट, पेंट लिखते हैं सिर्फ पेंट, और फिर यहाँ पर सेकंड पर क्या है वाई एन ई, इस टाइप से हम इसमें लिख देते हैं सेकंड पर वाई एन ई। ओके तो ये हो जाता है इसमें, ये होता है हमारा सिस्टम। और अगर हम एग्जांपल लें इसमें, अब जैसे हम फंक्शन ग्रुप वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई इसमें फंक्शन ग्रुप आ जाए तो हम क्या करेंगे इसमें, या फिर इस टाइप से हमारा क्या आ जाए, कोई दूसरा ग्रुप आ जाए वन टू थ्री। ओके ये आ गया हमारा, और इसमें हमने क्या ले लिया, ये लिया सी एच थ्री, इधर टाइप में ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया हमने सी एल। अब हम नेमिंग किधर से करेंगे, इधर से ये फंक्शन ग्रुप आ रहा है हमारा, तो इधर से वन टू थ्री फोर, फाइव इसे भी कह सकते हैं तो फाइव इसे भी कह देते हैं हम, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, ओके फाइव की चेन हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे इसमें, फाइव की चेन हो गई तो नेमिंग किस तरीके से देंगे, सबसे पहले हम सी एल, जिसके लिए हम क्लोरो लिखते हैं, क्लोरो पहले लिखेंगे हम, ठीक है। तो वन पर क्लोरो है हमारा, फिर वन टू थ्री फोर फाइव की चेन है तो पेंट, फिर लेकिन इसमें मिथाइल भी तो आ रहा है, ठीक है, फिर इसमें हमारा क्या आ रहा है मिथाइल भी तो आ रहा है, वन क्लोरो फोर मिथाइल भी तो लिखते हैं इसमें हम, फोर मिथाइल, और फिर क्या आता है हमारा, क्योंकि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलना है आपको, सी एल है ठीक है, यहाँ मिथाइल है, और फिर यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पर क्या के लिए हम क्या कर देंगे पेंटेन। ओके ये हो जाता है हमारा सिंपल। और अगर ये ऐसे होता कुछ, आप देखो इसकी नेमिंग किस तरीके से करें, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन कंप्लीट है हमारे सी एस थ्री, वन टू थ्री एक हाइड्रोजन, वन टू दो हाइड्रोजन, वन टू दो हाइड्रोजन, वन टू थ्री एक हाइड्रोजन, वन टू थ्री, ओके ये हो गया हमारा। अब इसकी हम नेमिंग करें किधर से करें, नेमिंग करेंगे हम क्लोरीन ब्रोमीन किधर की तरफ से, जिसका अल्फ़ाबेट पहला है, जैसे बी पहला आ रहा है तो अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग हम इसे लेना है, ठीक है। अगर हमारे पास दो फंक्शन ग्रुप आ जाए तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उनको हमें लेना है, जैसे हम यहाँ पर लेंगे बी को पहले प्रेफरेंस देंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इसको लिखेंगे टू पर क्या ब्रोमो, फिर फाइव, फाइव पर क्या क्लोरो, फिर मेन जो कार्बन चेन है हमारी सिक्स की उसको लिखेंगे हेक्सेन। ओके ये है हमारा सिस्टम। और देखेंगे इसमें हम, अब देखो आप ये बन गए हमारे कार्बन चेन, कहीं पर भी फोर बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जैसे वन टू थ्री एक हाइड्रोजन का, वन टू थ्री एक हाइड्रोजन का, वन टू और टू, ठीक है। अब इसको बताओ कैसे नेमिंग देंगे, देखो अगर हम इसकी लॉन्ग चेन देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये वाली होगी, और कोई हो सकती है वन टू थ्री फोर फाइव, नहीं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे हो सकती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा हो सकती है, तो लॉन्ग चेन ऐसे भी हो सकती है, तो इससे अच्छा हम ऐसी ना ले लें, लेकिन फिर फंक्शन ग्रुप को देखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके तो यहाँ पर टू पर क्या लिखेंगे हम, टू पर क्या लिखेंगे, टू और थ्री पर मिथाइल ग्रुप है, टू और थ्री पर मिथाइल है, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, टू थ्री दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, और चार है तो टेट्रा, ठीक है, पाँच है तो पेंटा, हम इस तरीके से इनकी काउंटिंग लिख सकते हैं। जैसे अगर इसमें यहाँ पर भी होता हमारा सी एच थ्री, ठीक है, यहाँ पर भी सी एच थ्री होता तो हम लिखते हैं थ्री थ्री डाई मिथाइल, ठीक है, इसी पे होता हमारा थ्री थ्री डाई मिथाइल, या टू पर ही दो सी एच टू जुड़े होते, सी एच थ्री जुड़े होते तो टू टू डाई मिथाइल। ओके यहाँ पर टू थ्री डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ओके, और यहाँ पर सिक्स कार्बन के लिए हेक्सेन, ये है। अब और क्या कर सकते हैं इसमें हम, अब जैसे हम कुछ फंक्शन ग्रुप ले लेते हैं, बताओ कौन सा फंक्शन ग्रुप है,
तो इसमें बीच में डबल बॉन्ड ओ आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप पे कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, और 2 पर ऑन, ब्यूट ऑन, ब्यूट 2 ऑन। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शनल ग्रुप ग्रुप अटैच करेंगे, ओके। लेकिन देखो यहाँ पर ब्यूट, सिर्फ ब्यूटेन नहीं लिखा, आपको पूरा ए एन लिखना है, ब्यूटेन, बस ई हटाकर आपको 2 ON लिखना। हर फंक्शनल ग्रुप में ये चलेगा हमारा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप किए हमने लास्ट में, बस आपको क्या करना है, जो ANE और ENE है उसमें तो पूरा हटा देते हैं, लेकिन इन वाले में क्या करना है हमें, ANE ऐसे रहने देना, लास्ट का ई हटाना है, जैसे AN लास्ट का ई हटाया, 2 ON लगा दिया हमने, ठीक है। ऐसा अगर इसमें मान लेते हैं इस तरीके से होता, या OH होता, तो हम क्या करते हैं इसमें ये कार्बन लगा देते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 है, तो 5 की कार्बन चेन है हमारी, तो हम क्या कर देते हैं इसमें, 5 की कार्बन चेन है अगर, तो पेंट वाला होता है ये पेंट, फिर कितना आता है इसमें, पेंटेन, और यहाँ पर 1 OL, ओके, इस तरीके से लिख देते हैं। लेकिन अगर इसमें दो होता हो जाते हैं, मतलब एक यहाँ पर OH हो जाता है, एक यहाँ पर OH हो जाता है ऐसे, तब क्या कहते हैं हम इसमें, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा पेंट, बस इसमें पेंट ऐसे लिखते, यहाँ पर लिख देते 1 2 डाई ओल, ओके, इस तरीके से हो जाती है नेमिंग हमारी। ये है इसमें सिस्टम। और अगर हमारे पास क्या होता, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप हो जाता हमारे पास, जैसे ऐसे लिख देता वो CH3 CH2 CHO, बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। CHO बताया था, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए लास्ट में AL लगाते हैं, AL कैसे लगाएंगे, जैसे हम कार्बन देखेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या है, प्रोप एन, और 1 क्या लगाएंगे, AL। ये है हमारा सिस्टम जो चल रहा है इसमें, इस तरीके से हो सकता है। और अगर इसमें क्या हुआ हमारा, और दूसरा हमारा कोई सिस्टम इस तरीके से है, इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर इसमें एक CL भी दे दिया, अगर इसने मान लेते हैं इस टाइप से, तो इसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, इसकी नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे कि हम, और जो मेन फंक्शन ग्रुप है हमारा, इसको लेंगे प्रिफ्रेंस, 1 2 3 4 5, तो 2 पर हम क्या कर देंगे, जैसे 2 पर है हमारा ऑन, मेन फंक्शन ग्रुप मतलब मेन लाइन है हमारी, जो मेन चेन है वो 5 की है, तो 5 हमारा पेंट आता है, लेकिन इसमें CL भी जुड़ रहा है, तो 4 क्लोरो भी तो ऐड करेंगे इसमें, 4 पर क्लोरो, ओके, यहाँ पर पैंट एन, और यहाँ पर 2 पर ON E, ओके, ये हो जाएगा हमारा। अब अगर हम इसमें और कुछ देखते हैं, जैसे ये इस तरीके से जुड़ रहा है हमारा CH3 CH2 CH CH3, और यहाँ पर ये है CHO, ओके, ये है, तो CHO कहाँ पर है हमारा, CHO यहाँ पर है। देखो CHO आप लग सोच रहे हो ये बीच में आ रहा था, बीच में नहीं है, जहाँ पर ये है वहीं से हम चेन स्टार्ट करेंगे। अब 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे नहीं कर सकते थे, लॉन्ग चेन है वो 4 की बन रही है, अगर हम इधर से स्टार्टिंग करें, क्योंकि इधर प्रिफरेंस हमें किसको देना है, CHO एल्डिहाइड को, तो बस 1 2 3 4। अब क्या लिख देंगे इसमें, यहाँ पर 2 पर हमारी साइड चेन भी आ रही है, तो 2 पर मिथाइल भी लिखना होगा हमें, 2 मिथाइल, ब्यूट एन, और यहाँ पर 1 पर ON, इस टाइप से हमें क्या लिख देना, AL AL, एल्डिहाइड है तो इसके लिए AL यूज़ करेंगे। ये है हमारा सिस्टम जो चल रहा है, ओके। अगर इसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए, देखो ये CHO इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर वो इस तरीके से भी दे सकता है, ओके, ये दे दिया 1 2 3 4 5, 5 की चेन दे दी हमें, तो ये पेंटेन हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो बस हम क्या कर देंगे, पेंट एन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और एच लगा हुआ है, तो हम क्या समझ जाएंगे, डबल बॉन्ड ओ अगर लास्ट में है, ये डबल बॉन्ड ऐसे भी हो सकता था, यहाँ पर होता है, यहाँ एच होता है, ओके, तो बस लास्ट में अगर कोने वाली पोजिशन पर, एंड पोजिशन पर डबल बॉन्ड ओ है, उसके साथ एच जरूर होगा, तो वो एल्डिहाइड है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, AL, ओके, ये है इसमें। और हम क्या कर सकते हैं, अब हम अगर हम इसमें देखें, कोई दूसरा क्वेश्चन है इसका,
जैसे इसको देखते हैं हम, वन टू थ्री फोर, और यहाँ पर ये अगर इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब बताओ इसकी क्या है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? डबल बॉन्ड ओ है और ओ एच भी है, तो ये है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको फिर वन टू थ्री फोर फाइव है, इसकी अगर हम चेन देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो फोर पर क्या है हमारा मिथाइल, फोर मिथाइल, फिर यहाँ पर क्या हमारा हैग्स, हैग्जेन, ए एन लगाएंगे लास्ट का, ई हटाकर क्या लगा देंगे वन पर, ओ आई सी, ओइक एसिड। ओके, ये आ गया हमारा ओइक एसिड, ये है हमारा सिंपल। इस तरीके से इसमें हमारा ई कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ सकता है। तो बस इसी तरीके से हमारी नेमिंग होने वाली है, सिंपल है बिल्कुल। इसके अगर हम क्वेश्चन देखें इसके एक्सरसाइज के, तो वो सभी क्वेश्चन हम ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखते हैं ये वाला पार्ट, इसका ये वाला बताओ क्या बनेगा इसमें, इसमें वन टू थ्री ये है और यहाँ पर कार्बन है, ये तो हाइड्रोजन कंप्लीट है ही, हम कर सकते हैं यहाँ पर सी एच थ्री, सी एच थ्री, वन टू थ्री फोर इसके कंप्लीट हैं, सी एच थ्री और सी एच थ्री। अब आप देखो इसमें ध्यान से, कितने कार्बन, वन टू थ्री, ये लॉन्ग चेन हो सकती है, वन टू थ्री ये हो सकती है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, थ्री से ज़्यादा लॉन्ग चेन नहीं बन रही, तो इसे वन टू थ्री ले लो। अगर आपने मेन चेन इसे माना, तो इस दोनों साइड चेन और टू पर ही हमारे दो क्या आ रहे हैं हमारे, तो हम इसे लिखेंगे टू टू डाई मिथाइल। ओके, डाई मिथाइल, और इसके लिए कौन सी चेन है, तीन कार्बन की, तो प्रोपेन, बस ये लिख देंगे। अब इसमें वन टू थ्री फोर साइड चेन, ये वाली आ रही लॉन्ग चेन, यही बन रही हमारी वन टू थ्री फोर, तो बस देखो इसी तरीके से तो बन रहा है, सिंपल है। तो ये लॉन्ग चेन आ रही है वन टू थ्री फोर, क्योंकि इधर से करेंगे तो तीन की बनेगी, या फिर यहाँ से करेंगे तो तब फोर की बनेगी, लेकिन इधर से नेमिंग नहीं करेंगे, इधर से साइड चेन पास आ रही है, इधर से करेंगे। ओके, तो वन टू थ्री फोर ये साइड चेन आ गई, तो बस बोलेंगे इसमें क्या, टू मिथाइल और ब्यूटेन। यहाँ पर देखो ये लो, इसमें से डबल बॉन्ड आ रहा है, जिधर डबल बॉन्ड होगा उधर से प्रेफरेंस देंगे, वन टू थ्री, ठीक है, थ्री है, तो वन टू थ्री इधर से नेमिंग दी, तो पहले पर ही हमारा डबल बॉन्ड है, तो इसका सिंपल तीन वाले का क्या नाम होता है, प्रोपेन, तो प्रो यहाँ पर एन लगाना है, इन इन लगाना है वन पर, इन ई एन ई। अब इसमें जैसे ये भी सिंपल है, देखो इसमें लॉन्ग चेन कैसे बन रही है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे बना सकते हैं, ये साइड चेन आएंगी, या तो ये साइड चेन रहेंगी, या फिर अगर आप वन टू थ्री फोर फाइव इसे करते तो ये साइड चेन रहेंगी, बात वही है। तो हम इसे लॉन्ग चेन ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव की, तो ये दोनों साइड चेन हो जाएंगे, लेकिन वन टू थ्री फोर फाइव इधर से नहीं करेंगे, किधर से करना पड़ेगा, इधर से साइड चेन पास है तो इधर से करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, तो टू वाले कार्बन पर क्या आ रहे हैं, दो मिथाइल आ रहे हैं, तो टू टू डाइमिथाइल, और पांच कार्बन के लिए पेंटेन लिख देंगे सिंपल। इसमें डबल बॉन्ड किधर से पास आ रहा है, इधर की तरफ से वन टू दूसरे कार्बन पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो वन टू थ्री तीसरे कार्बन पर आ रहा है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे वन टू थ्री फोर, तो दूसरे कार्बन पर क्या आ रहा है, ईन आ रहा है, तो बस इसका पाँच कार्बन है, तो क्या बोलेंगे, पेंट, और क्या बोल देंगे इसे, पेंट, और दूसरे कार्बन पर वाइन, आइन, ठीक है, पेंट टू आइन। अब इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड इधर से पास आ रहा है, तो इधर से लेंगे हम, क्योंकि हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे किससे, यहाँ पर जो हमारे एल्काइल ग्रुप है इससे, तो यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ये हमारे साइड चेन हो जाएंगे, तो वन टू थ्री फोर, फोर है हमारा, वन टू थ्री फोर ऐसे कर लो, वन टू थ्री फोर ऐसे कर लो, फोर से लंबी चेन नहीं बन रही है, तो बस वन टू थ्री फोर वन पर ये क्या है, आइन है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, थ्री थ्री डाई मिथाइल, थ्री थ्री डाई मिथाइल, और यहाँ पर क्या, चार पर ब्यूट, ब्यूट, और यहाँ पर वन आइन, सिंपल कर देंगे। ओके, ये है हमारा ब्यूट, बस सिंपल ब्यूट लिखते हैं इस वाले में, अगर हम मेन फंक्शन ग्रुप है उसमें ए एन भी लगाए थे, लास्ट का ई हटाते हैं सिर्फ। ओके, ये हो गया हमारा, जैसे ये है, इसमें क्या, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के मेन कार्बन है, यहाँ पर टू थ्री पर हम लिख देंगे टू थ्री डाई क्लोरो, ठीक है, लिखेंगे टू थ्री डाई क्लोरो, पांच कार्बन है, तो पेंटेन, ठीक है, सिंपल लिखेंगे पेंटेन।
इसमें भी ऐसी है, लॉन्ग चेन देखनी पड़ेगी हमें कौन सी बन रही है। तो लॉन्ग चेन बन रही है देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इससे लॉन्ग चेन कोई नहीं बननी ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 बनेगी। तो लॉन्ग चेन ये बन रही है, ये लॉन्ग चेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पर ये साइड चेन आ रही है। ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पर ये साइड चेन आ रही है, क्योंकि अगर हमने इधर से काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 पर आएगी। तो इधर से काउंटिंग नहीं करेंगे, करेंगे काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पर क्या है हमारा मिथाइल, तो लिखेंगे 3 मिथाइल, और 7 पर हैप्टेन लिख देंगे सिंपल। ठीक है, क्या नाम लिखेंगे, 3 मिथाइल हैप्टेन, हैप्टेन। ओके, तो ये जो डैश लगा रहे हैं हम किसके लिए लगा रहे हैं, मिथाइल के लिए, तो 3 मिथाइल, 3 से पे मिथाइल है, फिर हैप्टेन, इसके बीच में डैश नहीं लगाना है, हैप्टेन से पहले। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, चाहे इधर से काउंट करो आप 1 2 3 4, इधर से भी दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे इसे, 2 क्या लिख सकते हैं इसमें, ब्यूट है, ब्यूट है, तो ब्यूट 2 इन। ठीक है, सिंपल हम क्या लिख देंगे इसमें, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, ये इसका नेम हो गया इस वाले का। इसको देखो आप, इसमें भी बस आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इधर से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 के लिए हैप्ट, दूसरे पर 2 आइन। ठीक है, ऐसे सेम इसमें देखो आप, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी है, हाँ इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, अगर आप देखोगे तो ध्यान से क्या है, इसमें सी एच ओ लगा हुआ है देखो लास्ट में, तो मतलब ये एल्डिहाइड है, सिंपल ऐसे आप पहचान सकते हो इसमें। ऐसे हम करते हैं इसे किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम इसे बना कर करते हैं, तो यह CH3 सी, यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर CH2 CH2, CH2 और CHO। ओके, ये हमारी चीज़ें, अब करेंगे इसमें हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो अब हम करेंगे इसमें क्या, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले हम इनको लिखेंगे 5 पर, जो डाई मिथाइल आ रहा है, तो 5 5 डाई मिथाइल, 5 पर ये वाला, 5 पर ये वाला, और डाई मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए हैग्स, AN लगाएंगे, और बस लास्ट का E हटाकर 1 AL लगा देंगे। ओके, ये है इसमें, ये हो जाएगी इसकी नेमिंग सिंपल। इस वाले में एल्कोहल कहाँ पर आ रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे करें या फिर 1 इधर से प्रिफ्रेंस दें, 1 2 3 4 5, इधर से तो कार्बन आ ही नहीं रहा हमारा। ठीक है, तो जिधर से हमारा ये फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा है, उधर से हम नेमिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5, दूसरे पर क्या आ रहा है, ये OL लगा देंगे बस हम। तो कितने की कार्बन चेन आ रही है, 5 की, 5 के लिए पेंटेन बोलते हैं, पेंटेन ई हटा कर लास्ट में 2 OL लगा देंगे बस। इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप भी दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, COOH, जिसे कहते हैं हम क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है हमारा CH3, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमें। तो क्या होगा इसमें हमारा, इसमें हम कह देंगे किधर से नेमिंग करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3, ये 4 और 5, 5 कार्बन है, तो पेंटेन होगा, लेकिन पहले हम मिथाइल लिखते हैं प्रीफिक्स वाले, 4 मिथाइल, 5 कार्बन वाले के लिए क्या करेंगे, 5 कार्बन वाले के लिए पेंटेन, और यहाँ पर 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड कहाँ पर, 1 पर 1 ओइक एसिड, ये करना है हमें, सिंपल है ये भी हमारा। इस वाले को देखेंगे अगर हम, तो इसमें क्या करेंगे, 2 पर ब्रोमो भी आ रहा है, 2 पर मिथाइल ग्रुप भी आ रहा है, 1 2 3 4, इधर से 4 की लॉन्ग चेन आ रही है सिंपल, तो CH3 C, यहाँ CH2, और यहाँ पर CH3, यहाँ CH3, और यहाँ BR, कर दो इसे आप सिंपल, किस तरीके से कर सकते हो आप इसे। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 1 2 3 4, या 1 2 3 4 इधर से करेंगे, 1 2 3 4 इधर से पास है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी हमारा, और ये भी, तो यहाँ पर 2 ब्रोमो। ओके, और फिर क्या लिखेंगे इसमें, 2 मिथाइल, मिथाइल भी इसी पर है, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन, ब्यूटेन बस सिंपल ये लिख देंगे। इसमें इसमें BR आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अब इधर से ही काउंटिंग करनी पड़ेगी हमें, 1 2 3 4,
फोर कर दिया हमने 1 2 3 4, तो अब क्या करेंगे इसमें, मेन कार्बन चार की हो गई हमारी मेन जो चेन है, इसमें लिखेंगे हम पहले पर ब्रोमो 1 ब्रोमो, फिर यहाँ पर तीसरे पर क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, और फिर ब्यूटेन लिख देंगे सिंपल। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसमें 1 2 3 3 कार्बन ही है, तो बस हम क्या लिखेंगे इसे प्रोब, और यहाँ पर 1 आयन वाई एन ही लिख देंगे, प्रोब 1 आयन वाला है तो सिंपल है, प्रोब 1 वाई एन ई, प्रोप आयन भी लिख सकते थे सिंपल। ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच और एच, ये सी एच ओ ग्रुप हो गया ना, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ठीक है। तो ये हमारा एल्डिहाइड होगा, इसे कीटोन नहीं बोलेंगे क्योंकि कीटोन हमेशा कार्बन वाले के बीच में आएगा, उसके साइड में भी कार्बन कार्बन दिखेंगे, कम से कम मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। तो सी एच ओ है, एल्डिहाइड है, लेकिन एक ही कार्बन है, तुम बोलेंगे मीथ मैथेन, मैथेन ई हटाकर बस क्या लग देंगे ए एल, या फिर इसे मैथे नल भी लिख सकते हैं सिंपल, ये मैथे नल भी है, इसे मीथेनल बोल देते हैं, ठीक है, मीथे नल। यहाँ पर भी वही है सेम, यहाँ पर एल्कोहल आ गया हमारा फर्स्ट नंबर पर, तो हम इसे क्या बोलेंगे 1 2 3, तीसरे पर क्या होता है प्रोपे नोल बोल सकते हैं इसे, हम क्या बोल सकते हैं प्रोप पे नोल भी बोल सकते हैं, प्रोपेन 1 ओएल भी बोल सकते हैं। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड ओ है ओ एच है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये दूसरे पर है, दूसरे पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका मतलब क्या है 1 2, तो इसको क्या बोल देंगे हम इथेनोइक एसिड, इथेन 1 ओइक एसिड भी बोल सकते हैं, इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं, वैसे से एसिटिक एसिड भी इसका फॉर्मूला है, कॉमन नेम है इसका, क्योंकि ये यही वाला है, जैसे हम बनाते हैं ना CH3COOH, इसी को इसने ऐसे लिख दिया है सी सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ और यहाँ ओ एच, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बस। ये हमारा देखो डबल बॉन्ड ओ और एच, अगर ये साइड में आ जाए तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो उसे क्या लिख देंगे इथेनल, या फिर इथेन 1 ए एल भी लिख सकते हैं। ये वाला इसमें 2 क्लोरीन आ गए, तो इसमें बोलेंगे 1 2 डाइक्लोरो और इथेन, बस सिंपल है। इसको हमें क्या करना है, इनको इसी तरीके से बनाना है हमें, ओके। तो ऐसे भी आ सकता है स्ट्रक्चर देखे वो, उसका वो बनाने के लिए क्या देखे वो, इसका वो बनाओ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जैसे हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखें एक आता है इसमें, जैसे कह रहा है प्रोपेन 1 इन, तो प्रोप के लिए पहले हम मेन चेन बनाएंगे, प्रोप के 1 2 3 कार्बन, 1 पर इन लगाना, तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दो, इसके हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, 1 1 1 1 2 3 4, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, ठीक है बस। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन पर 4 1 2 3 4, 2 3 डाइमिथाइल 2 और 3 पर हमें क्या लिखना है मिथाइल लिखना है, तो 1 मिथाइल यहाँ लगा दो, 1 यहाँ लगा दो बस, यहाँ पर इसे हाइड्रोजन दे दो, ख़त्म। 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन पे 3 कार्बन, ठीक है, 2 मिथाइल दूसरे पर क्या मिथाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दो, 1 हाइड्रोजन यहाँ दे दो, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देना, ऐसे लाइन मत खींच के आ जाना। 3 हेक्सेन, 3 हेक्सेन का मतलब क्या है इसमें, हेक्सीन हेक्सीन, 3 हेक्सीन का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड है वो इसमें कहाँ पर है, तीसरे वाले कार्बन पर है, 6 कार्बन तो है हेक्सेन के लिए, लेकिन 1 2 3 तीसरे वाले पर डबल बॉन्ड है, इस तरीके से कह रहा है इनको हाइड्रोजन दे दो। 1 2 3 4, बस काउंटिंग इस तरीके से हो कि 4 से ज़्यादा बॉन्ड ना हो रहे हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको हाइड्रोजन ऐसे लिख दें सभी पर, ठीक है, ये करना है। प्रोपेन 1 आयन की प्रोप पर 3 कार्बन और 1 पर आयन लगाना, मतलब पहले वाले कार्बन पर हमें क्या करना है ट्रिपल बॉन्ड करने हैं, बस इसको सोल्व कर लो, 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोप 1 इन कर देना है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन कर देना, प्रोप पे 2 मिथाइल करनी है, तो पहले मेन चेन लेंगे प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन 1 इन, ठीक है, अच्छा इसमें आयन था हमारा ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सही गया, 1 इन पहले वाले कार्बन पर इधर से कर लो डबल बॉन्ड, 2 पर मिथाइल, तो अगर हमने इसे 1 माना है, इसे 2 3, तो 2 पर मिथाइल लगा लो CH3, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल, ये करना है इसमें, ऐसे ही है हमारा कि 2 मिथाइल हो गया। एल्कोहल विद मोलिकुलर फॉर्मूला, ये एल्कोहल है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10O, तो बस इसमें कैसे बनाएंगे, कार्बन 4 बना दो एल्कोहल लगा दो, कार्बन 4 बना दो एल्कोहल लगा दो, लो लगा दिया एल्कोहल, इसको कंप्लीट करके देख लो इसमें क्या आ रहे होंगे हमारे, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑक्सीजन 1 कार्बन 4, बस ये है इसमें सिंपल, ओके। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया कंप्लीट, अगर आप इसे कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन फिर आपसे नहीं बचेगा, आप सभी एग्जाम में क्वेश्चन करके आने वाले हो, ओके। तो बस आप इसे करें, फिर हम आगे के लेक्चर आपके लिए देखते हैं भाई क्या लेके आए टॉपिक, जो भी आपके लिए बेस्ट रहे, ओके।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके थैंक यू।